हाय हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति दुर्गानी। शाही स्वाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी स्पेशल कढ़ी चावल। ठंड के सीजन में सभी सब्जियां आती हैं और इस सीजन में कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कढ़ी चावल कैसे लगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी चावल। देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं मटर। मटर इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं और मटर इसके अंदर हम साबुत डालेंगे। देखिए, हम दाने निकाल के नहीं डालेंगे। गोभी के बड़े बड़े पीसेस, हरी मिर्ची साबुत, सुरजने की फली इस तरह से पीसेस में कटी हुई, और दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसके मैंने थोड़े बड़े पीस काटे हैं, और सात आठ मैंने उसको चीरा लगा दिया है भिंडी में इस तरह। और मैंने लिए हैं इसके अंदर टमाटर बारीक कटे हुए, अदरक ग्रेट की हुई और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ। कड़ी का बेस हम बनाएंगे बेसन से। आधा कप मैंने इसके अंदर बेसन लिया है। सभी सूखे मसाले लिए हैं मैंने, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और इसके अंदर मैंने लिया है 1/4 teaspoon हींग, 1/4 teaspoon मेथी दाना, 1/4 teaspoon साबुत धनिया, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा। आधा कप इमली को धो करके मैंने सर से गर्म पानी में भिगो दिया है। इसका मैं अब पल्प निकालूंगी। खटाई हम इसके अंदर इमली की ही करेंगे। और मैंने इसके अंदर करीबन आधा किलो चावल भिगाए हैं। ये मैं करीबन 8 मेंबर के लिए कढ़ी चावल बनाने जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से सब्जियां मसाले वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। और हम आवश्यकता अनुसार ऑयल लेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार हम नमक यूज करेंगे। चलिए अब हम कढ़ी बनाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लूंगी मैं जिसमें सब्जियां आसानी से धुल जाएं। इसमें सभी सब्जियां डाल दूंगी मैं। इसमें मैंने मटर डाल दी, गोभी डालूंगी, सुरजने की फली डालूंगी, आलू डालूंगी, ये साबुत मिर्ची डालूंगी। इसमें हम भिंडी नहीं डालेंगे, भिंडी हम अलग से फ्राई करके फिर मिक्स करेंगे। इसके अंदर में 2 tablespoon नमक पूरी सब्जियों में डाल दूंगी। ये नमक हम ज्यादा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सब्जियां धुल जाएं। नमक सब्जियां अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब इनको एक साइड हम रख देंगे। अब कढ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक इस तरह से चौड़ी कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। इसमें कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। हाँ, ऑयल कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा ऑयल में कढ़ी बड़ी अच्छी बनती है। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बेसन डाल, इसको लगातार चलाते हुए हम बेसन को भूनेंगे। देखिए, ऑयल इतना हो कि ये बेसन अच्छे से लगातार इसमें मूव कर सके। हम लो टू मीडियम पे इस बेसन को भूनेंगे। करीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमको बेसन भूनने में। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बेसन भूनना है। कढ़ी में हमने मटर साबुत डाले हैं। जैसे हम ड्रम स्टिक्स को चूस करके और फिर बाकी थ्रो कर देते हैं, इसी तरह से मटर को भी हम चूस करके खाएंगे और बाकी हम थ्रो कर देंगे। ये बहुत ही कढ़ी के अंदर स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए, बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम ये सभी मसाले डाल देंगे। हींग, मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा, राई, सभी मसाले इसमें डाल देंगे। तेज गरम बेसन के अंदर ये जल्दी से ही क्रिकल हो जाते हैं, तड़क जाते हैं। देखिए, बेसन की बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची कटी हुई डाल, हम इसके अंदर अदरक कटी हुई डालेंगे, हम कड़ी पत्ता डालेंगे और जल्दी जल्दी अच्छे से हम इसको घुमाएंगे ताकि हरी मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता भी अच्छे से भून जाए। देखिए, इस तरह से झाग होने लगा है बेसन। अब इसको करीबन हम आधा मिनट अच्छे से भूनेंगे। यहीं पे हमें एकदम ध्यान रखना है कि बेसन का कलर ना ज्यादा डार्क हो ना लाइट रहे। अब इसके अंदर हम सभी सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसालों को भी हम 15-20 सेकंड भून लेंगे। देखिए, सब मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से, और इसको जल्दी से हम घुमा लेंगे।
बाद में इमली का पानी भी डलेगा, इसलिए हम एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, पर तब भी करीबन 8 जनों के लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ तो 1 लीटर पानी तो अभी डल जाएगा। अभी मैंने आधा लीटर डाला है, आधा लीटर पानी में इसमें और डाल रही हूँ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इमली में कढ़ी बन रही है इसलिए नमक अच्छे से डलेगा। यहाँ पे मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम इसको ढक देंगे बॉईल होने के लिए। जब तक कढ़ी के पानी में बॉईल आता है हम चावल बना लेंगे। गैस ऑन करेंगे, इस पे हम देगची रखेंगे, देगची में चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 500 ग्राम राइस हैं उसमें हम करीबन 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और ढक्कन बंद कर पानी बॉईल आने के बाद हम चावल डालेंगे। देखिए हमने छोटी कढ़ाई रखी है यहाँ पर, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसके अंदर हम ये भिंडी डालेंगे और भिंडी को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए सब्जियां मैंने 2-3 पानी में धो ली हैं सभी, ताकि नमक अच्छे से इसका निकल जाए। देखिए कढ़ी में इसे तेज उबाला आना चाहिए, उसके बाद हम ये धुली हुई सब्जियां इसके अंदर डाल दें। या कम पसंद करें तो आप कम लें तो बहुत ही स्वाद साथ डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हम फिर से ढक देंगे। देखिए चावल का पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अभी भीगे हुए चावल का हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसको हम पानी में डाल देंगे। देखिए अब चावल पे हम वापस ढक्कन लगा, सब्जियां सीजने के लिए हम इसको गैस को कम कर देंगे और उसको ढक करके हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। चावल का पानी सूख गया है, अब इसको हम गैस कम कर देंगे, फिर हम ढक्कन रख देंगे ताकि थोड़े चावल सीज जाएं। देखिए कढ़ी में सभी सब्जियां अच्छे से सीज गई हैं। हम सबसे पहले गोभी को चेक करेंगे, गोभी से पता चल जाएगा हमें कि सब सब्जी सीजी है कि नहीं। देखिए सब सब्जियां सीज गई, इसमें मैं अभी इमली डाल रही हूँ। सब्जियां सीजने के बाद ही हम इमली का पल्प डालेंगे, खट्टा हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कढ़ी का कलर कितना अच्छा है। इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और इसके अंदर हम भिंडी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तेज पर एक बॉईल आने। अब इसको हम वापस ढक देंगे। देखिए कढ़ी बनकर के तैयार हो गई। हम इसके ऊपर हींग राई जीरे का छोंक लगाएंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कढ़ी और टेम्पटिंग हो जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। देखिए 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। गैस बंद करके फिर हम दोनों तरफ की मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और रेड चिली पाउडर, ये छोंक हम डालेंगे कढ़ी के ऊपर इस तरह। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये छोंक से, कलर भी कितना अच्छा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। देखिए कढ़ी कितनी सुंदर लग रही है, जितनी सुंदर लग रही है उतनी स्वादिष्ट है। देखिए कितने टेम्पटिंग कढ़ी चावल बनकर के तैयार हुए।